नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूँगा आपसे दो टॉपिक्स पे, और ये दोनों टॉपिक्स आपस में रिलेट करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक ये दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है। उनको इंडिया में भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। भारत रत्न आपको पता होगा कि ये इंडिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, तो उस पर कई बाहरी ताकतें और जो कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ट्वीट किया, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो या मियां खलीफा हो, इन्होंने इस पर एक ट्वीट किया कि भाई हम जो इंडिया में चल रहा है कि जो लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है खासकर किसानों को, तो हम किसानों को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इन लोगों को इंडिया से कोई मतलब नहीं है, इनको किसानी का के नहीं पता, एग्रीकल्चर का ये नहीं पता इनको इंडिया में कैसे किसानी होती है, और इन्होंने सपोर्ट किया। अब इस पर जाँच चल रही है, इस पर पता चल रहा है कि खालिस्तानियों का सपोर्ट है इन लोगों को, इन लोगों को फंडिंग होती है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अब इस पर क्या हुआ, जब इन सेलिब्रिटीज़ का ट्वीट आया इंडिया केस, तो ये सीधा इंडिया पे ही टारगेट किया गया, मतलब इंडिया को इंटरनेशनली बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ के ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फॉलोवर्स है, तो एक गलत मैसेज जाएगा इंडिया के अगेंस्ट। तो इस पर क्या हुआ, जो इंडिया की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने स्टैंड लिया इस पर एक कि भाई हम अपने इंडिया के पक्ष को सामने रखेंगे। तो कई लोगों ने आगे बढ़ के ट्वीट किया हैशटैग यूनाइटेड इंडिया करके, या और भी ट्वीट जो हैशटैग्स हैं वो ट्रेंड में आए। इसी के साथ सचिन ने एक ट्वीट किया कि भारत जो है वो यूनाइटेड है और सब लोग एकजुट होइए। सचिन ने एक चीज़ पे बड़ा फोकस किया, उन्होंने लिखा कि इंडिया को एकजुट होना चाहिए, इंडिया एकजुट हो। इस पे क्या हुआ, ये विपक्षी पार्टियां बिल्कुल बौखला गई, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया एकजुट हो। और इसमें जो मेन हमारी अपोजिशन पार्टी है और उसके जो अलायंस है, मैं इनके नाम नहीं लूँगा, हर किसी को पता ही है कौन है जिनको इंडिया के एकजुट होने से प्रॉब्लम होगी, उनको बहुत बुरा लगा। और इन पार्टीज़ ने खुलकर सचिन का विरोध किया, सचिन के बारे में उल्टी सीधी बातें कहीं, और क्या नहीं कहा सचिन के बारे में। सचिन का कंट्रीब्यूशन हर कोई जानता है इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों इसी के साथ सेकंड पॉइंट जो जुड़ा हुआ है वो है किसानों का चक्का जाम, जो 6 फरवरी को चक्का जाम किया गया कुछ घंटों के लिए। इसके ख़त्म होते ही जो इनके अभी मेन लीडर बने हुए किसान आंदोलन के, जो किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत ने आंदोलन ख़त्म होते ही, जो चक्का जाम ख़त्म होते ही, इन्होंने बोला कि ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा, इस आंदोलन को हम काफ़ी आगे तक ले जाएंगे और 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन ऐसे ही देश में चलता रहेगा, और हम दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे और जगह जगह धरना देंगे, और पूरे देश में जाके इस काले कानून, जो 3 नए कृषि कानून आए हैं, इनको हम लोगों को समझाएंगे, पंचायतें करेंगे, कई चीज़ें हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको ही पता ही, अब लोगों का विश्वास इस आंदोलन से हट गया है। ये किसान हैं या क्या हैं, या इन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनको कुछ अपना पॉलिटिकली एम इन्होंने अपना सेट किया हुआ है, ये धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। जैसे अभी 26 जनवरी को पूरे दिल्ली में इन लोगों ने उत्पात मचाया, हालांकि ये जो अभी चक्का जाम था काफ़ी पीसफुल रहा, इसमें कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन लोगों को इन लोगों की इंटेंशन नज़र आ रही है। अभी अपने मंच से NGT को भी निशाने पर ले रहे हैं, NGT को बोल रहे हैं कि भाई 10 साल पुराने ट्रैक्टर जो आपने बंद किए हैं वो भी दिल्ली में आएंगे, और देखते हैं अभी तो 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, अब 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो ये सीधा सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, और जो स्टेटरी बॉडीज़ हैं हमारी कंट्रीज़ में उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। किसान के पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, किसान अपनी खेती करे, वो गेहूं बोए, धान काटे, इससे उसको फुर्सत नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसानी को बिजनेस मानते हैं, और पॉलिटिकली क्या है ये सबको पता है कि ये क्या मोटिवेशन है इनका इन सब चीज़ों के पीछे। और जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि कई जो अगेंस्ट इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। जैसे मैंने सचिन वाले मुद्दे में कहा कि कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, अब उनको बेनिफिट क्या, अगर वो इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट्स करते हैं तो बेनिफिट ये कि भाई उनको फंडिंग होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अगेंस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन इनको फंडिंग करके इनसे अपने मन चाहा ट्वीट कराती है। अब जैसे ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट अपनी शेयर की थी ट्वीट के थ्रू, लास्ट में उसको डिलीट करना पड़ा, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भाई ये टूल किट किसकी थी, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की थी, जो इंडिया में ही जो अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, और जो उसका फाउंडर है या जो मेंबर है वो एक एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन सेलिब्रिटीज़ को फंडिंग भी करती है। तो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसे, मेरे जो दोनों टॉपिक आज इस वीडियो में डिस्कस करो, कैसे आपस में जुड़े हुए, मीन्स इंडिया यूनाइटेड ना हो, ये अपोजिशन पार्टीज़ कैसे प्लान कर रही हैं, और जो अपनी आवाज़ को मुखर करके आगे आ रहा है कि भाई इंडिया यूनाइटेड रहे और साथ में किसानों का भी ध्यान रखे, तो वो बंदा उनको पसंद नहीं आ रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, चाहे अपने ही टेन्योर में उसको उन्होंने भारत रत्न दिया हो, और अब कह रहे हैं कि भारत रत्न की बेइज्जती है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना,
ये बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं ये लोग। दूसरा, जो किसानों का आंदोलन है उसको कैसे पॉलिटिकली हाईजैक कर रखा है और कैसे डिस्टर्ब कर रखा है पूरी कंट्री को, और एक नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की इमेज खराब होगी, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेंगे और कई कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा। सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर इंडिया डिस्टर्ब है और इंडिया में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, तो वो जो इन्वेस्टर है सबसे पहले देखेगा कि इंडिया तो स्टेबल है ही नहीं, यहाँ पे कभी भी धरना प्रदर्शन हो जाता है और आज की डेट में यहाँ पे ये परेशानी चल रही है, तो वो बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो किसी नेबरिंग कंट्री जो दूसरी कॉम्पिटेटिव कंट्रीज है वहाँ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या मोटिवेशन है लोगों की। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है पॉलिटिक्स, कि इतना डिस्टर्ब कर दो कि लोग परेशान हो जाए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चेंज हो। ये आपको भी पता है कि इस कौन कर सकता है ये सब। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि दोनों जो मुद्दे कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, एक भारत रत्न की बेइज्जती लोग कैसे कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण, और दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा जिस पे सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, वो कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो एक कुल मिला के एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है और इंडिया को बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।